नमस्कार दर्शक बंधु मु संतोष आपण समस्त यूट्यूब चैनल एसटीएस लर्निंग पॉइंट को स्वागत करुच्ची। आज विषय वस्तु रखाई नवम श्रेणी साइंस वन प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय प्रथम भाग टी हूँ परमाणु गठन विषय ये परमाणु गठन विषय आम डिस्कशन करवा आलोचना करवा तो आज क्लास प्रथम कर परमाणु गठन विषय चलते जाना प्रथम थर कर पूर्व विषय जानते परमाणु गठन संबंध में शेष मतलब जन डाल्टन डाल्टन को मत अनुसार पदार्थ कौन था सरी परमाणु क्या कहते डाल्टन मत अनुसार दुईट तथ्य प्रदान करते डाल्टन मत कौन था पदार्थर क्षुद्रतम कणिका को परमाणु कह जाए परमाणु है अविभाज्य अविभाज्य अर्थात परमाणु को आम भांगी पार ना ये से घटना कितु जो नूत विज्ञान उन्नति घटला एम डाल्टन मत को पुणी भूल बोली प्रमाणित दर्शाए कौन कहले आधुनिक वैज्ञानिक मैंने मत पोषण कले कौन ना परमाणु पदार्थ क्षुद्रतम कणिका हूँ परमाणु किंतु यह अविभाज्य बोली जो दर्शाई डाल्टन से भूल बोली प्रमाणित कले अर्थात से ना परमाणु हूँ विभाजन क्षम परमाणु को विभाजन कले आम तार तीनो सब आटमिक पार्टिकल पाई अर्थात पुनः भांगी पार अर्थात केमी ना इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन प्रोसेस भांगी पार अर्थात केमी ना देखे जो तीनो उपादान भांगा से गुड़ा इलेक्ट्रोन प्रोटोन आउ न्यूट्रोन पदार्थ को भांगुचे परमाणु को भांगुचे परमाणु गठन संबंध में से नूत तथ्य प्रदान कले कहे परमाणु हूँ विभाजन क्षम अर्थात डाल्टन को उत्ति भूल बोली प्रमाणित होगा ये जो परमाणु को भांगे आम पुणी आउ थे सब आटमिक पार्टिकल गुड़क पाई सब आटमिक पार्टिकल गुड़िक हूँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आधुनिक मत अनुसार जो परमाणु हूँ विभाजन क्षम एवं परमाणु विभाजन क्षम को तीन भाग भाग कर गोटे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन तो ये प्रोटॉन किए के आविष्कार करते इलेक्ट्रॉन किए से न्यूट्रॉन किए से आविष्कार होता ता विषय आलोचना करें तो प्रोटॉन प्रथम कर 1836 मसीह 1836 मसीह बाहर 1886 प्रथम कर बाहर करते ई गोल्डस्टीन एनोड एक्सपेरिमेंट मध्यम द्वितीय आसाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टी आविष्कार करते जे जे थॉमसन यहाँ प्रायत 1900 बेलू बाहर करते एक्सपेरिमेंट कैथोड एक्सपेरिमेंट न्यूट्रॉन आविष्कार करते जेम्स चैडविक यहाँ 1904 बेलू तो ये भाव में तीनोटी सब आटमिक पार्टिकल उद्भवन होगा जहाँ डाल्टन उक्ति को भूल बोली प्रमाणित कर तो चलते से तीनो विषय पढ़ा किए के आविष्कार करते पार्थक्य गुड़ी आलोचना करें आम ये सर्टकट एक पढ़ुचे तेणुक टोटल मानने प्रोसेस टाइम डिस्क्राइब करवानी केवल विषय जहाँ जहाँ नोट अच्छी से तो फास्ट पढ़ा जे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन विषय कौन कौन जान तो देखो मुझे किसी डिस्क्राइब कर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन विषय में बहुत गुड डिस्क्रिप्शन अच्छी तो मुझे गोटे गोटे कर बुझेबी प्रथम अच्छे
प्रोटॉन आउ इलेक्ट्रॉन आउ न्यूट्रॉन को किए आविष्कार करथिले। तो आविष्कार को किए से ता आविष्कार कोचन जे प्रोटॉन आविष्कार कोचन ए गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन आविष्कार कोचन जे जे थॉमसन, न्यूट्रॉन आविष्कार कोचन जेम्स चैडविक। तीन जण साइंटिस्ट, तीन जण भिन्न भिन्न को आविष्कार करथिले। यार मस्या पर कथा रे करू के 1886 एडाला 1900 एडाला 1932 बेलू केटा प्रोड्यूस हेला। तो फास्ट में आगे तापर हमें जत जानि गेले के आविष्कार करथिले, केबे आविष्कार करथिले, तापर चाहिना तार चार्ज कोन। तो प्रोटोन चार्ज जो छ प्लस पर पॉजिटिव, एटा पॉजिटिव बेले किरा यार हला नेगेटिव चार्ज हला नेगेटिव। यार न्यूट्रल बा एटा कोन दे जीरो चार्ज, न्यूट्रल नो कोनसी चार्ज नाही। प्रोटोन रो संकेत को जदि हमें कोन से रूप रे लिखे पई कहबो संकेतिक रूप कोन अछि ना पी प्लस, इलेक्ट्रॉन वाला ई माइनस और न्यूट्रॉन वाला ए, इन तरह किसी रूप में किसी प्लस कि माइनस नहीं कहीं के सीधा पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो इतना न्यूट्रल चार्ज। ये तो जान ला पर अपनी मास टाइम में तो मास का टाइम अपनी दी बार बार कर ची उड़े ला रिलेटिव मास उड़े ला एब्सोल्यूट मास इन दाम वही रखे वाला गुटे पकड़ मास दे ची तो लोगों को गुटे पकड़ मास सीमन रखा देखिए मन कर आम यार मैंने रिलेटिव मास टाक नवा यदि प्रोटोन मास हूँ मन कर नवा वन यू बोली इलेक्ट्रोन मास तार एक बै 1840 आम बही अनुसार देखिए 1837 किंतु केत बही 1840 अच्छी तेनाली आप बही अनुसार पढ़े ओडिया बही अनुसार 1837 तेणुक आम लिखिपर जो प्रोटोन रस्तुत्व इलेक्ट्रोन वस्तुत्व के गुण जब पचारे 1837 गुण बा प्रोटोन वस्तुत्व थारो इलेक्ट्रोन वस्तुत्व केते सानो ना 1835 न सानो। तापरे न्यूट्रॉन वस्तुत्व वाला प्रोटोन वस्तुत्व सहित प्राय समान त एटा यदि 1 यू बिल धरिबा त एटा यदि 1 यू तले प्रोटोन वस्तुत्व 1 यू इलेक्ट्रोन वस्तुत्व 1 बाय 1835 यू आ न्यूट्रॉन वस्तुत्व वाला 1 यू आ कोन ना तार चार्ज केते चार्ज टाइम पॉजिटिव बोली जानते हैं तो चार्ज का मूल्य यदि बचाइए कितने हमें तो जानते चार्ज टा पॉजिटिव कि माने कि चार्ज रो मूल्य पचारे चार्ज रो प्रकृत मूल्य केते बेली त हमें लिखि पर चार्ज टा केते अछि ना प्रोटॉन रो चार्ज अछि 1.6 * 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एटा ला युक्त चार्ज बा पॉजिटिव चार्ज जदि इलेक्ट्रॉन वाला सी सेम चार्ज 1.6 * 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम किंतु यार चार्ज हला नेगेटिव चार्ज किंतु न्यूट्रॉन रो कोनो चार्ज नाही तले इतला प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन रो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में चार्जेस वाला पर तार वस्तु तो भी ऐसी है वस्तु तो ये ठीक दी चें ये तार प्रकृत वस्तु तो कोनी पहुंचा रहे प्रकृत वस्तु तो उनके लिखते रहेगा। तो ये तो ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन ना आविष्कार विषय में भिन्न भिन्न होता हूँ तो इतने पास वो जान ला पा रहे डाल्टन को उत्तर भी भूल बिली प्रवणित तो डाल्टन को उत्तर भी भूल बिली प्रवणित की बात थी ना एजू वैज्ञानिक वाले भूल बिली प्रवणित कर तो प्रथम तरीके ने इस तरीके से ना ये गोल्डस्टाइन 1886 में से प्रोटॉन का आविष्कार कर ले आउ तापर आसले जेम्स चैडविक 1900 बेलू को एसे इंटेज थॉमसन 1900 बेलू को से बाहर कले इलेक्ट्रॉन रो आविष्कार कले आ तापर आसले 1932 बेलू को जेम्स चैडविक आसले से न्यूट्रॉन रो आविष्कार कले। यार भीतरे बहुत प्रकार मॉडल उडी को छे ए मॉडल उडी को हमें नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करबा। नेक्स्ट क्लास रे हमें जेजे थॉमसन को मॉडल परमाणु गठन मॉडल रदरफोर्ड को मॉडल आउ गिल्डन को परमाणु मॉडल से आलोचना आजरा क्लास ने थे कि आजरा क्लास रे डिस्कशन को कोन रहला ना परमाणु रो गठन कोन थिला पूर्व ये रे
বর্তমান তার ভাঙ্গি বর্তমান ভাই কোন আছে বা ডাল্টন কো পরমাণু তত্ত্ব কাহি কি ভুল বলে প্রমাণিত হলা এফপি ও ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন ইত্যাদি প্লাস শর্ট কোশ্চেন আও তার ইত্যাদি দি লং কোশ্চেন ভাবে ডিসকাস দাও কারণ আছে দেই না আও তার পরে কই রাখে যে যে তিনটা কা এক্সপেরিমেন্ট আছে তিনটা কা এক্সপেরিমেন্ট বিষয়ে আমি আলোচনা করব নেক্সট ক্লাসে আজ এর ক্লাস নিয়ে থেকে